हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीवो V29 प्रो के बारे में, जो कि वीवो V29 सीरीज का सबसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसकी सारी स्पेक्स आपको बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो कहीं से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले अगर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो बॉक्स के अंदर आपको आपका स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, एक TPU सिलिकॉन कवर देखने को मिल जाता है, टाइप ए टू टाइप सी केबल और चार्जिंग अडाप्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो वीवो की जो वी सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आती है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम और ग्लास बैक के साथ आता है। बैक साइड के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा टेक्स्चर देखने को मिल जाता है और काफ़ी खूबसूरत बैक आपको देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन का जो कैमरा बम्प है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रंट डिस्प्ले की तो इसके अंदर आपको एक कर्व पैनल देखने को मिलता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी जो है प्रीमियमनेस ऐड कर देता है स्मार्टफोन के अंदर। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। ये स्मार्टफोन SD कार्ड को सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पर आपको सिर्फ डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर के साथ टाइप PC की पोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.7 इंचेस की एक 1080p पैनल वाली कर्व्ड AMOLED पैनल देखने को मिलेगा, जो कि 10 bit डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको IDEA 10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे कलर्स और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगी। 20.5:9 रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो है पंच और डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले वाली साइड से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा लगाया गया है। परफॉर्मेंस पार्ट की बात की जाए तो इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको फ्रंट टच OS 13 देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8200, साथ में यहाँ पर आपको 8GB की LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, 256GB की UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अब ये स्मार्टफोन जो है वो कोई परफॉर्मेंस टारगेटेड स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस डिसेंट देखने को मिल जाती है। आपको डेली टास्क के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसके ऊपर हैवी काम भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई परफॉर्मेंस टारगेटेड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इस प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपका मेन सेंसर 64MP का है, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो देखने को मिल जाता है। फ्रंट जबकि फ्रंट के ऊपर आपको 50MP की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। बैक साइड के ऊपर आपको 4K 30fps का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जबकि फ्रंट के ऊपर आपको हो सकता है 4K 30fps का ऑप्शन देखने को मिल जाए, अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको काफ़ी प्यारा और काफ़ी खूबसूरत कैमरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फोटोज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं और वीवो की वी सीरीज़ जो है वो मेनली कैमराज को टारगेट करती है, तो यहाँ पर कैमराज जो है वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। आपको फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में यहाँ पर आपको 66W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। बॉक्स के अंदर आपको चार्जर देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और बाकी सारे सेंसर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन वीवो ने बनाया है। इस स्मार्टफोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इंडियन मार्केट के अंदर ये अराउंड आपको 40,000 के अंदर देखने को मिलेगा, जबकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर यह स्मार्टफोन आपको 1,40,000-1,50,000 रुपये के अंदर यह देखने को मिल जाएगा। अभी तक ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तो भी बहुत ही लेट लॉन्च होगा। लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।